I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. आज लेटर पार्ट लेटर राइटिंग का दूसरा पार्ट है लेटर फॉर ए जॉब. ये लेटर 11th, 12th और 10th क्लास में आता है. इसके अलावा RS मेंस में और UPSC में भी ये डिस्क्रिप्टिव लेटर के रूप में आता है. तो अच्छे से अच्छा लेटर कैसे लिखें, किस तरह से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें, वो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा. क्वेश्चन इसका दो तरह से आ सकता है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. इधर देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा इसका कि जैसे इमेजिन दैट यू आर सो एंड सो फ्रॉम जयपुर, उसके बाद में यू सो एन एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स या किसी और अखबार का नाम आ सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर. राइट ए लेटर टू द MD SBI बैंक जयपुर. इस तरह से कोई भी और यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क है, फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है. दूसरा पर्सन ऐसे भी आता है कई बार, सिचुएशन वैकेंट के नाम से आता है. फिर ए कंप्यूटर ऑपरेटर रिक्वायर्ड, ए पर्सनल असिस्टेंट रिक्वायर्ड, ए क्लर्क रिक्वायर्ड, ए स्कूल लेक्चरर रिक्वायर्ड. मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी होगी, सैलरी यहाँ होगी और एक्सपीरियंस यहाँ लिखा हुआ होगा. किसको चाहिए वो चीज़ यहाँ लिखी होगी. इन दोनों तरह से अगर लेटर आ जाए तो हम लेटर कैसे लिखें यहाँ आइए चलिए बात करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एड्रेस. एड्रेस के अंदर जो भी लेटर के अंदर स्थान दिया हुआ है वो स्थान हमने यहाँ लिख दिया, जयपुर लिखा हुआ तो जयपुर लिख दिया. अब यहाँ पर दूसरी चीज लिखती है May 26, 2020. ये पहला स्टेप पूरा हो गया. ये एक नंबर का टॉपिक एक चीज आती है, एक नंबर आपको अगर आप सही लिखोगे तो मिलेंगे एक नंबर. कैसे मिलेंगे, यहाँ पहला लेटर कैपिटल, ये लेटर कैपिटल और 26 सिर्फ ऐसे लिखना है, TS नहीं लगाना है, TS लगाओगे तो इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है. और ये आगे और इसके आगे कुछ स्टॉप में एक चीज होगी. अगली चीज लिखनी है दै के बाद में आएगा डेजिग्नेशन. पद क्या है, किसको लेटर लिखना है, पता कैसे चलेगा लेटर के अंदर लिखा हुआ है. क्वेश्चन में लिखा है राइट ए लेटर टू द MD, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन. और नीचे एड्रेस लिखा है उसमें आपको मिल जाएगा. आप वहां से उठा के इसको यहां पर लिख दोगे MD. किसका MD, इसके नीचे लिखो SBI जयपुर. और ये आपका दूसरी स्टेज पूरी हो चुकी है, इसकी भी अलग नंबर मिलते हैं. भले ही आपने लेटर इररिलेवेंट लिख दिया हो, किसी और लिखा ना कुछ और, सर आपने लिख कुछ और दिया, लेकिन ये नंबर आपको जरूर मिलेंगे. इसके बाद में आप लिखोगे सब्जेक्ट. यहां पर सब्जेक्ट में यहां तक तो फिक्स है आपका, लेटर फॉर ए पोस्ट ऑफ. फिर देखो यहां क्या लिखना है, सर. फिर यहां लिखना है दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन यह अखबार का नाम डेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ. फिर कुछ तो बचेगा जाएगा क्या रहेगा, आई ऑफर myself फॉर द सेम एज आई हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशंस, ठीक है. फिर यहां आएगा माय बायो डाटा, इसको आप दो बार अंडरलाइन करें, यहां लिखें फॉर योर काइंड पेरुजल, इसको लिख दें. ये आपका एक अलग पोर्शन तैयार हो चुका है. इसके बाद में लिखेंगे यहाँ नेम, थोड़ा सा आगे ले लें ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ आ जाए, इतनी जगह छोड़ दें यहाँ, ठीक है. फिर फादर्स नेम, इसके नीचे इसकी मार्जिन बराबर रखें. फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ आगे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे. फिर क्वालिफिकेशंस,
जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके बाद में प्रोफेशनल, अगर वो दोनों तरह की क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, फिर लिखेंगे आप एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस लिख देंगे 2 साल 3 साल 4 साल। इसके बाद में आप हॉबीज लिख देंगे आप अपनी, जो भी 3-4 चीजें और उसमें लिख देंगे। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे आई, देखो ये मार्जिन फिर यहाँ लिखे हैं, आई अश्योर यू दैट आई विल डू माई ड्यूटी विद फुल पैसन इफ आई एम गिवन चांस। आर योर्स ट्रूली, ये फॉर्मेट है आपका। अब देखो मैंने फिर थोड़ी सी मार्जिन मेरी इधर से ली, फिर इधर आ गई, अच्छी नहीं है, आपको बिल्कुल ऐसे सही करना है इसको, एकदम सही करके और यहां तक ला गया, बराबर आना चाहिए आपका। अब कैसे इस लेटर से लिखते हैं, देखो पहले जयपुर लिख दिया, नहीं लिख दिया तो आप ये मानिए आपका ये एक नंबर आ गया पूरा। दूसरा एड्रेस लिखोगे एनडी, एन कैपिटल जयपुर का, जे कैपिटल एस पे आए तो ये भी आपका एक नंबर पूरा आ गया। सब्जेक्ट का आप खुद का, इन दोनों चीजों का एक नंबर होता है, सब्जेक्ट लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ। अब यहां क्या लिखोगे, क्वेश्चन में क्लर्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर वो जो भी स्कूल लेक्चरर लिखा हुआ है या पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी लिखा हुआ है, तो वो भी आप यहां कंप्यूटर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर, अगर क्वेश्चन में क्लर्क था तो यहां क्लर्क लिख दो, इतना तो आपके पास पहले से था ही मैटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन डेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ आई ऑफर माई सेल्फ। तो ये चीज है, ये आपके पास पहले से तैयार है, आपको करना क्या है, एडवर्टीजमेंट कौन से अखबार में है, यहां अखबार का नाम लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स में थी तो आपने लिख दिया हिंदुस्तान टाइम्स, लिख दिया डेटेड, यहां तारीख लिख दो, और द पोस्ट ऑफ ये पोस्ट यहां लिख दो। ये पोस्ट लिखने के बाद में आप यहां तक आ गए, आपके यहां तक के 2 या 2.5 नंबर आते हैं वो पूरे आ जाएंगे, या 2 नंबर का मैटर होता है इसको, ये पूरे नंबर यहां से कोई नहीं काट सकेगा, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपको करना क्या था, हिंदुस्तान टाइम्स भरा आपने पेपर से उठाया, डेट भरी आपने अपने हिसाब से, पोस्ट ये भरा एक जैसी पोस्ट है। अब देखिए आएगा माई बायोडाटा फॉर योर काइंड पेरिजन, मूल्यांकन होता है ये, नेम अपना नाम ये बराबर आना चाहिए, ऐसे नहीं नेम यहाँ आ गया, फादर्स नेम यहाँ आ गया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ गई, क्वालिफिकेशन यहाँ आ गई, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये कहीं खत्म हो जाए, लेकिन ये नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन, जो भी है आपके पास, जो आपकी विशेषता है वो आप यहाँ करते जाओ, ठीक है, ये बरतोगे। उसके बाद में आई एश्योर यू दैट, अब सारे लेटर के अंदर हम ये लिखते हैं, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट, इसलिए मेरा निवेदन है इस लेटर के अंदर आप भूल के भी देर फॉर रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे देर फॉर आई रिक्वेस्ट यू मेरे को नौकरी दे दीजिए, मैं ये ऐसा नहीं करना, गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको दावा करना है कि आई अश्योर यू, देखो यहां ये लिखना है आई अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दैट आई विल डू माई ड्यूटी विद फुल पैशन, पूरी पैशन के साथ करूंगा मेरी ड्यूटी इफ आई एम गिवन चांस, यदि मुझे मौका मिलता है तो, ठीक है, योर्स ट्रूली, और यहां अपना नाम आ जाएगा। यहां आपको देर फॉर वाला सेंटेंस भूल के भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो कि देर फॉर आई रिक्वेस्ट यू, मैं निवेदन करता हूं, उसका मतलब आप में क्वालिटी नहीं है, आप भीख मांग रहे हैं नौकरी की, और भीख मांगने से नौकरी नहीं मिलती, नौकरी आपकी योग्यता के अनुसार मिलती है। तो ये देखिए, इसके बाद में ये पूरा हो गया, ये पोर्शन जो आपका लेटर का थोड़ा बहुत गलत होने की संभावना रहती है ना, इसमें कोई संभावना गलत नहीं है, नाम आपको पता है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, सैलरी हो रहा है, देखो सैलरी एक जगह नहीं है, यहां मैं लिख देता हूं सैलरी, सैलरी आप यहां जितनी भी चाहिए आपको ऐसे लिख के उसके आगे लिख दे नेगोशिएबल, नेगोशिएबल आगे जरूर लिखे, यानी सैलरी 20,000 नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब ऐसा नहीं मैंने 20,000 बता दिया तो 20,000 नेगोशिएबल, ऊपर नीचे हो सकता है, गुंजाइश है, 19,000 हो सकती है, 22,000 हो सकती है, 18,000 हो सकती है, नेगोशिएट, यानी सोच विचार करके अपन फिक्स कर लेंगे, ये यहाँ लिख दोगे
तो ये जो नंबर है 4.5 नंबर का होता है 10 नंबर में से, ये नंबर कहां काटेगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नेम नाम लिखने में गलती होगी आपकी, फादर्स नेम लिखने में गलती होगी, डेट ऑफ बर्थ में गलती थोड़ी होगी, क्वालिफिकेशन में कहां गलती होगी, एक्सपीरियंस में, सैलरी में कोई गलती नहीं होगी। ये 4.5 नंबर आपको अगले को देने पड़ेंगे, हर हाल में देने पड़ेंगे। और ये सेंटेंस तो आप पहले से घर से ले जा रहे हो, आई अश्योर यू दैट आई विल डू माय ड्यूटी विद फुल पैशन इफ आई एम गिवन चांस। इसमें भी चांस संभावना नहीं है। योर्स ट्रूली का वाई कैपिटल कर देना, टी स्मॉल कर देना, नीचे नाम लिख देना, और ये इस तरह से लेटर लिख के अगर 10 का है तो 10 में से 10 नंबर ले लेना, 7 का है तो 7 में से 7 नंबर ले लेना। ट्राई करना ऐसा लिख के, आप ऐसा लिख सकते हैं, पूरे नंबर आएंगे। धन्यवाद।